हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन को कैसे ऐड करेंगे अपने प्ले स्टोर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, तो उस रूल को आपको फॉलो करना होता है, उन सारे रूल को, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है वीपीएन ऐप का, इस एप्लीकेशन में भी जो भी सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है यानी ऐड का, तो इसको हम आपको ऐड करके बताएंगे कि कैसे इसको ऐड करना है सब्सक्रिप्शन को। तो सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए बेसिकली आपका जो ऐप है प्ले स्टोर पर लाइव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन लाइव नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को भी ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट है, मेरा बेसिकली वीपीएन ऐप है, अगर आपका कोई और ऐप है तो सब में मेथड बस सेम ही होता है आपका, ठीक है। तो उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम यहाँ से दिखाते हैं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, तो बेसिकली इसमें आप कितना लाइक यहाँ पे मंथली है, ईयरली है, 3 मंथ का है और यहाँ पे 6 मंथ का, टोटल यहाँ पे 4 सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे और इसमें आप कितना यहाँ पे पैसा आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में रखना चाहते हैं, डॉलर में रखना चाहते हैं, उसका यहाँ पे डिटेल है। तो यहाँ से हम ऐड करने के लिए हमें उस एप्लीकेशन को चूज कर लेना जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन ऐड करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इस वाले एप्लीकेशन पर, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर स्क्रॉल बार डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, यहाँ से आपको आ जाना है मोनेटाइजेशन सेटअप, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन के लिए सेटअप करना है फिलहाल, तो हम जाएंगे प्रोडक्शन में और यहाँ पे लिखा है इन ऐप प्रोडक्ट, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे है सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पे उससे पहले यहाँ आ रहा है सेटअप योर कॉन्टेक्ट, ठीक है, यानी कि मर्चेंट अकाउंट। यहाँ पे आपको पहले अकाउंट सेलेक्ट करना है, यानी कि अकाउंट आपका फिलअप करना होगा, यानी आप जो सब्सक्रिप्शन का आपका जो पैसा मिलेगा वो किस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। तो जब आप इसमें सारा पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तभी जा करके यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन को ऐड करने के लिए। तो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पेमेंट आपका मिलेगा उसका सारा प्रोफाइल है, प्रोफाइल डेटा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, अपना सारा डिटेल यहाँ पर एंट्री करना होगा। तो यहाँ से हम अपने सारा डिटेल जो है कि फिलअप कर लेते हैं पहले। तो इसको आप पहली बार करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन सारा फिल कर लिया, जस्ट क्लिक ऑन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो बिलिंग मेथड है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होके आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे जो कि अभी 0.00 यहाँ पे रुपीज़ में है। तो यहाँ से हम इंडियन है तो इंडियन रुपीज़ में हम करते हैं, और बेसिकली अगर आपको कोई और कंट्री है तो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड है, तो यहाँ पे आपको ऐड पेमेंट मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे पूछेगा। तो आप अपने अकाउंट में, आप कौन से अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हैं तो उस अकाउंट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है यहाँ से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कम्प्लीट कर लेना है पहले आपको पेमेंट मेथड को। तो यहाँ से मैंने पेमेंट मेथड यहाँ पर हम कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से हम जाते हैं इस एप्लीकेशन को, फिर से ओपन कर लेते हैं डैशबोर्ड से। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, वहीं पे प्रोडक्ट में आएंगे और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे अब मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड करने के लिए। अब तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हमारा स्टेप से स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्रिएट सब्सक्रिप्शन में जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मेरा जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे सारी एंट्री फिलअप करना है और आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे केयरफुली इंटर करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया VPN1, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का जो डिटेल है यहाँ पे नेम मैंने लिख दिया VPN11 एंड जो इसका डिस्क्रिप्शन है VPN11 मैंने कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना है आपको। और यहाँ पर आपको ऐड करना है ऐड बेनिफिट, तो वहाँ पे आपको ऐड बेनिफिट पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बिलिंग पीरियड है, तो यहाँ पे बिलिंग यहाँ पे मंथली मैंने अभी कर दिया, टोटल 4 सब्सक्रिप्शन हमें ऐड करना है। और यहाँ पे जो कितना प्राइस आप रखना चाहते हैं मंथली, यहाँ पे प्राइस आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कर दिया मंथली के लिए 100 रुपीज़ अभी, तो बाद में आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इसका रुपीज़ है
यानी जो भी इसका मनी है, अब मनी आप चेंज कर सकते हैं, बाकी इसका जो प्रोडक्ट आईडी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे केयरफुली सारी चीज़ें फिलअप करना है, ओके। बाकी सारी जो चीज़ें उसको आपको ऐसे एज इट इज़ रहने देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इसके बाद अभी देख सकते हैं अभी इनएक्टिव है अभी हमारा, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे जस्ट क्लिक कर देना है नीचे, तो हमारा जो एक्टिवेट हो जाएगा फर्स्ट वाला सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हमें एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, और इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे बैक पे और यहाँ पे फिर से क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मंथली वाला ऐड हो चुका है, ठीक ऐसे ही अब हमें 3 मंथ का और 6 मंथ एंड जो ईयरली है उसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट आईडी ऐड करना है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट आईडी आप जितनी बार ऐड करेंगे सब डिफरेंट आपको रखना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया VPN 2, पहला वाला मेरा VPN 1 था, तो यहाँ से मैंने VPN 2 कर दिया, और इसका जो नेम है VPN 1 2 कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन में 1 2 कर दिया। और इसके बाद से जो सेटिंग पीरियड है तो इसको हम कर देते हैं 3 मंथ का, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्राइस है तो प्राइस यहाँ पे हम रख देते हैं जस्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है, और यहाँ पे आप जो भी प्राइस आप यहाँ पे रख रहेंगे वही प्राइस आपको अपने प्ले स्टोर में भी रख लेना है। तो प्ले स्टोर में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 200 रख दिया, यही प्राइस मैंने अपने उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में भी रखा हुआ था, तो दोनों को सेम ही रखना है, डिसबैलेंस नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज ही रख देना है, जस्ट क्लिक ऑन सेव, और यहाँ पे हमारा सेकेंड सब्सक्रिप्शन भी ऐड हो चुका, इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। तो 2 सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक ऐसे ही हमें थर्ड वाला भी कर लेना है, अगर और भी बाकी सारा जो हुआ तो उसको भी आपको कर लेना है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन जस्ट क्लिक कर देंगे, इसका नेम हम रख देंगे प्रोडक्ट आई डी का VPN 3, एंड नेम इसका कर देंगे VPN 1 3, डिस्क्रिप्शन VPN 1 3, और यहाँ पे जो इसका प्राइस है बिलिंग पीरियड 6 मंथ का इसको मैंने कर दिया, जस्ट इसका प्राइस है, तो प्राइस मैंने यहाँ से हम देख लेते हैं मैंने प्राइस कितना ऐड किया था 6 मंथ का, तो यहाँ से मैंने ऐड किया 350, तो 350 ही हमें यहाँ पे भी ऐड कर लेना है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे भी चेंज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए प्राइस अपनी, और इसके बाद यहाँ पे हम सेव पर क्लिक कर देंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट, तो हमारा एक्टिवेट हो चुका है ये वाला भी। और इसके बाद से हमारा एक और सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयरली वाला, तो आप देख सकते हैं ईयरली वाले को भी हमें सेम ऐसे ही करना है, जस्ट क्लिक यहाँ पे बैक जाएंगे एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे जस्ट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे VPN 4, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे नेम कर देंगे VPN 1 4 एंड डिस्क्रिप्शन में VPN 1 4, और यहाँ पर जो बिलिंग पीरियड है ईयरली का है, और इसके जो प्राइस है तो प्राइस भी हम यहाँ से सेटअप कर देंगे, तो प्राइस हमने कर दिया जस्ट 500, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कितना ऐड किया था, तो हमने यहाँ पे किया है ईयरली 500, ठीक है यहाँ पे परफेक्ट है, जस्ट सेव पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड एक्टिवेट। तो इस तरह से हमारा जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, बस इसमें इतना ही करना था सब्सक्रिप्शन में, बाकी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसको अब हम फॉलो करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमें मिल चुका है, और यहाँ पे मेन यहाँ पे होता है वो होता है प्रोडक्ट आईडी, और जो प्रोडक्ट आईडी होता है आपका सारा जो है यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये हमारा मंथली वाला प्रोडक्ट आईडी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का जो डिटेल है इस डिटेल में आपको फिलअप करना है, अगर आपका कोई और एप्लीकेशन है तो आपका वहाँ पे भी लिखा हुआ होगा जो इसका सब्सक्रिप्शन है उसका डिटेल, तो आपको उस जगह पे इसको चेंज कर लेना है अपने प्रोडक्ट आईडी से। तो यहाँ से मैंने इस अपने प्रोडक्ट आईडी से इसको एक्सचेंज कर लिया, और इसको हम हमारा मंथली हो गया, और इसको हम 6 मंथ वाला है एंड 3rd मंथ एंड उसका बाकी सारा जो भी है उन सबको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा 3 मंथ वाला है, 3 मंथ को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको भी अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के कोड में इसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ये
ये हमारा 6 मंथ का है, और इसके बाद हमारा जो ईयरली वाला भी है उसको भी ऐड कर देंगे। सारे जगह पे आपको प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे फिलअप कर लेना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऐड हो चुका है, इसको हम पहले सही कर लेते हैं इसके नंबर को। तो हमारा फिलअप हो चुका है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो है मंथली के लिए है VPN 1, एंड 6 मंथ का है VPN 3, एंड 3 मंथ का है VPN 2। तो ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे यहाँ से आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको केयरफुली सारी चीज़ें देख लेना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा चेंज हो चुका है, बस आप यहाँ पे जो मनी है, यानी कि अगर आप यहाँ पे फिर से अगर कोई और ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इसमें प्रोडक्ट आईडी है वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका हो चुका। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे जो इसका वर्जन है प्रेजेंट वर्जन 1 है, तो इसका जो वर्जन है यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। तो दोनों जो प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्जन कोड एंड वर्जन यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्जन कोड एंड वर्जन नेम दोनों यहाँ पे हमें चेंज कर लेना है, फिर सिंक्रोनाइज कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हमें जो इसका साइन APK है, फिर बिल्ड बंडल जो भी आपने जनरेट किया हुआ होगा यहाँ से फिर से जनरेट कर लेंगे। और जो यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड आपको सेम रखना है, इस पर टिक कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे नीचे वाले पे टिक किए रहेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से हमारा जो हमारा बिल्ड बंडल है, तो हमने यहाँ से बिल्ड बंडल यहाँ पे अपलोड किया हुआ था, तो बिल्ड बंडल हमारा यहाँ से फिर से जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक ये हमारा जनरेट होके आ रहा है, इसी को हमें फिर से अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करना होता है। तो प्ले स्टोर पर कैसे किसी भी एप्लीकेशन को अपलोड करना होता है, इसका लेटेस्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे सबसे ऊपर, क्योंकि हमें फिर से इसको जो हमारा जो APK है, APK को फिर से हमें अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको रिलीज पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन पे जस्ट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट न्यू रिलीज, जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो न्यू रिलीज है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, यानी कि फिर से अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसको जैसे कि यहाँ पे बैक जाते हैं, तो बैक जाने के बाद यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं होता है, लाइक हम यहाँ से दिखा देते हैं पहले, जैसे फिर से मैंने प्रोडक्शन पे जस्ट क्लिक किया, और प्रोडक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर हमारा एडिट रिलीज का ऑप्शन आ गया। एडिट रिलीज पे ऑप्शन इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पिछला रिलीज क्रिएट किया था, लेकिन उसमें मैंने कुछ अपलोड नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस तरह से आपको पहले जो इसका रिलीज है उसको आपको डिलीट करना होगा, यानी कि जो भी मैंने जस्ट क्रिएट किया था उसको डिलीट करना है। जो आपका एप्लीकेशन लाइव है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको क्रिएट न्यू रिलीज पे फिर से हम ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे ऐप बंडल का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे साइंड APK भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐप बंडल दोनों आप अपलोड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ओके, तो दोनों बस यहाँ पे साइज़ का डिफरेंट होता है, जो ऐप बंडल होता है उसकी साइज़ थोड़ी सी कम होती है, साइंड APK की फाइल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बस दोनों में इतना ही डिफरेंट होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इसके बाद यहाँ पे हम मेरा साइंड बंडल जो है अपलोड यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी डायरेक्टरी को, जस्ट क्लिक ऑन ओपन, यहाँ से हमारा ऐप बंडल है यहाँ से अपलोडिंग हो रहा है। तो हम यहाँ से वेट कर लेंगे जब तक कि हमारा ऐप बंडल अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे फाइल की साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर फाइल की साइज़ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका नेट यहाँ पे डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए जब यहाँ पे अपलोड होता है, तो क्योंकि अगर आपका कनेक्ट जो नेटवर्क है थोड़ा सा भी डिसकनेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एरर आ जाएगा, और फिर से अगर आप इसको पब्लिश करेंगे तो उसमें बोलेगा कि आपका वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको फिर से काम करना पड़ेगा, आपका वर्जन फिर से चेंज करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसके बाद आपको फिर से साइंड APK या बिल्ड बंडल जनरेट करना होगा, उसके बाद ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इस वजह से आपको केयरफुली यहाँ पे अपलोड करना है, जब आपका इंटरनेट अच्छे से वर्क करे तभी आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, और बीच में कोई भी डिसकनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यही प्रोसेस है बस इसका। तो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है, अभी यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर रिलीज नेम है, तो रिलीज नेम यहाँ पर अपलोड हो चुका है हमारा,
सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो गया है और यहाँ पे रिलीज नेम है, यहाँ पे वर्जन है, ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्जन आ जाता है, आपको अलग से वर्जन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब अपलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिक वर्जन वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है। ओके, इसके बाद इस एप्लीकेशन में आपने क्या चेंजिंग किया है वही चेंजिंग आपको यहाँ पे जस्ट लिख देना होता है। तो यहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन को ऐड किया है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं जस्ट ऐड सब्सक्रिप्शन एंड फिक्स बक्स। मैंने बक्स को कुछ फिक्स किया है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है जो कुछ आपने चेंजिंग किया है अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए और कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक रिलीज रिव्यू। तो यहाँ पे जो रिव्यू में चला जाएगा आपका जो रिलीज एपीके है, अगर उसमें कोई दिक्कत रहेगा तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। स्टार रोल आउट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रोल आउट कर देंगे तो आपका हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रोल आउट हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन हमने प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है। अब ये हमारा जो अपडेट था ये, यानी कि अपडेट अब हमारा लाइव हो जाएगा। लाइव होने में अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 दिन लग जाएगा, यहाँ पे हमें वेट करना होगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, यानी आपका एप्लीकेशन अगर आप पहली बार पब्लिश करते हैं अपने प्ले स्टोर पर तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 3 to 15 days भी लग जाएगा। अगर 2, 4 या फिर 5, 6 एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है, 2 से 3 दिन में ही लाइव हो जाता है एप्लीकेशन। इसका जब लाइव हो जाएगा तो मेल पे मेल आ जाएगा। थैंक यू।